जो आज भी शरद में हम लोगों का पहरा दे रहा है, जिसके चलते ये पूरा बंद होकर रखा था। नथिंग तो है नहीं, नथिंग है, वो स्ट्रॉबेरी खाने में लगा हुआ। तो गुड मॉर्निंग गाइस। भाई गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मैं बहुत जल्दी जल्दी उठ गई हूँ आज। सुनाई नहीं दे रहा मुझे, सुबह का व्यू देखना था इस जगह से, और अभी बजे है 5:25 है और मैं देख रही हूँ यहाँ की सुबह की व्यू। आप भी देखो गाइस, ये है वो द व्यू। कितनी सुंदर है ना, शायद कुछ को सिर्फ फॉग ही लगेगा। मैं तो जी भर के देख रही हूँ, मैं आधे घंटे से देख रही हूँ फिर भी मन नहीं भर रहा है। आगे क्या क्या देखती हूँ आपको भी दिखाती हूँ। चलिए हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया, सवारी भी रेडी है, इंजन गर्म कर रहा है क्योंकि होल नाइट इसका इंजन पूरा फ्रीज होकर रखा था। इतना ठंडा है, इतना बारिश गिर रहा है जिसके चलते ये पूरा बंद होकर रखा था। और ये देखिए पूरा वाइट, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। उन लोगों से बात किया, ये फॉग नहीं है ये बादल ही है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ का जो लोकल है फॉग होने से, यहाँ से पीछे जो हम गाड़ी देख रहे हैं ना, फॉग अगर होता ये गाड़ी भी नहीं दिख पाता। कपल ऑफ सेकेंड में इसका विजिबिलिटी ज्यादा होता है कम होता है, क्योंकि बादल आता है चला जाता है ऐसा ही। मालूम है, कल आपको मैं सिखा, चल। तो चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाके दिखाते हैं आप कैसा व्यू मिलता है। हम लोग देख पाते हैं कि नहीं, कुछ धीरे धीरे शायद कम हो रहा है, देखते हैं। चलिए एक तो बात है, बाबा हरभजन सिंह का हिस्ट्री हम सब लोग जानते हैं, हर इंडियन बाबा हरभजन सिंह का हिस्ट्री जानता है, जिसके चलते है जो आज भी शरद में हम लोगों का पहरा दे रहा है यही है हरभजन सिंह। मरने के बाद भी अपना ड्यूटी नहीं छोड़ा, अभी उसके ही मंदिर में जा रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाएंगे। ये है बाबा जी का बंकर का सीढ़ी। हेलो भाई लोग, अभी हम हैं नथिंग वैली में, जो अभी सिचुएशन के हिसाब से बोलना पड़ेगा नथिंग वैली। मगर क्यों, नथिंग तो है नहीं, नथिंग है, देखिए वैली कितना अच्छा है, कुछ है नहीं। बात तो सही है पूरा फॉगी फॉग है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। अरे बात बता रहा भाई। कुछ तो आवाज हो रहा है, जैसे या तो झरने का या तो बारिश का नीचे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देखते हैं अभी क्या आ जाएंगे। थंबी वैली देखते, थंबी वैली में क्या मिलता है।
मन रे। दोस्तों हम लोग अभी है सिल्क रूट का सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह है जिग जैक रूट, जो सिल्क रूट जिसको सिल्क रूट बोलते हैं, सिल्क जैसा। तो देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं, इसको सिल्क रूट कहते हैं, बस सिल्क रूट का जिग जैक रूट। इसके लिए सब आते हैं यहाँ पे। कल तो ये इसका विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं था, फॉगी वेदर था, मतलब फॉगी नहीं क्लाउडी वेदर था। आज 2 मिनट पहले बहुत क्लियर था, अभी कहाँ से कितना सारा क्लाउड आके इकट्ठा हो गया। क्लाउड और यहाँ का जो टूरिस्ट है उसके ऊपर कुछ नाराजगी शायद चल रहा है, जितना भी व्यू पॉइंट है सब जगह जाके जमा हो जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी देखिए दूसरा होस्ट है, वो स्ट्रॉबेरी खाने में लगा हुआ है। यहाँ पे एक एक स्ट्रॉबेरी इतना छोटा छोटा है कि एक संग 10-12 उठो एक संग खा ले सकते हैं। वो देखिए स्ट्रॉबेरी बुक कर, क्या बोला तूने? अरे ये देखिए यहाँ का पूरा व्यू विद जिग जैक रोड, देखिए जिग जैक रोड क्लियर हो गया। ज्यादा खुश मत हो, चलिए देखते हैं अभी एक नेक्स्ट जगह पे जाएंगे, एक इको पार्क बोल के है, देखते हैं वो कैसा लगता है, उसका व्यू कैसा मिलता है। देखिए गाइस कुछ नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं मिलना बोलना भूल होगा, बहुत कुछ मिला, बहुत ज्यादा कुछ मिला। उसके साथ हिल टॉप में बैठ के पीछे पूरा फॉगी वेदर, सामने थोड़ा बहुत व्यू और मोमो। चलिए खा के बोलते हैं कैसा टेस्ट हुआ है। तो अब हम आ गए हैं इको नेचुरल पार्क, इको नेचुरल पार्क, नेचर पार्क, नेचर पार्क। तो आपको दिखाते हैं, चलो। इतने बड़े बड़े पेड़, चल जाते हैं। Connected high, you and I, pinnacle, climactic vibe. Show me yours, I'll show you mine. You don't have to pretend we're shy. Let's forget the 9 to 5. I just wanna feel alive. Take it slow, let it go. Roll down all the windows. Skill for this. Wow. राइस है, दाल और आलू भाजी और ये अंडा करी। रोज दोपहर को हमें यही मिलता है, अंडा करी और प्याज मिर्च। बहुत लेट हो गया, पहले खा चुके, खा लेते हैं। तरा I'm halfway out, just trying to lose you now.